नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपसे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं होगा। आप कब तक मूर्ख बनते रहोगे? आखिर अपने जीवन काल में ऐसा आपने क्या काम कर दिया है जो कि आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, जो कि आप किसी के जाल में फंसते जा रहे हो। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही समय में आपको सावधान होना होगा, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा रहा है। दोस्तों, आप जिस व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करते हो, जिस पर यकीन रखते हो, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप तो बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी के साथ में छल नहीं करते हैं। आप अपने दिल की सारी बातें भी उस व्यक्ति को बता देते हैं, यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई इंसान ऐसा होता है कि आपके दाम्पत्य जीवन के मौके का फायदा उठाता है और आपके भोलेपन का भी फायदा उठा लेता है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही समय में आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। और दोस्तों, उस व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है जो कि दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में एक आस्तीन का सांप बनकर घूम रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आपकी जिंदगी में हमेशा जहर घोलता है। आपके सामने तो आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा, लेकिन दोस्तों आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराई करने में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आखिर हम ऐसा क्या काम करते हैं जिनके प्रति हमें भी हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? हमारी गलती भी नहीं होती है, फिर भी हम अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। बहुत ही जल्दी किसी पर अटूट विश्वास करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण जांचों द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो आप ही के साथ रहकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें कोई भी दुख ना हो। दोस्तों, आपके जीवन में एक छिपा हुआ शत्रु आपके हाथ अब लगने वाला है। दोस्तों, आपको होना होगा सावधान। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति आपको एक सही राह दिखाएगा और एक कपटी मित्र आपको रोड पर ले आएगा। आपको पीछे हटाने के लिए वो आपको पीछे खींचेगा। दोस्तों, कई बार ऐसे दृश्य आपके सामने आते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, और आपको ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना है जो आपकी खुशियों को ही नहीं देख पा रहे हैं। और ऐसे लोग दोस्तों एक दिन कहीं ना कहीं जीवन में काल बन के आपके सामने आ जाते हैं और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। ऐसे कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों कि वे आपके साथ में पूरे लंबे चल सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपके पास में पैसे ना हो, इसलिए वे आपका साथ छोड़ दें। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। ऐसे मित्र आपको कभी भी नहीं बनाना है जो धन देख करके आपका साथ देते हैं और आपके साथ में रहते हैं। ऐसे दोस्तों की आपको जरूरत नहीं है जो आपके बुरे समय में साथ ना दें और अच्छे समय में आपका साथ दें। आप लोगों को दोस्तों ऐसे दोस्तों की जरूरत है, ऐसे मित्र की जरूरत है जो आप लोगों को दोस्तों रोड में से उठा करके सिंहासन पर बिठा दें, जिस प्रकार दोस्तों श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ में किया था। वो दोस्तों राजा बन गए, लेकिन फिर भी अपना अच्छा समय आने पर अपने मित्र को वो कभी भी नहीं भूले। ऐसा ही दोस्तों जो आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपकी खुशियों को देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको कुछ दूर रहना है तो ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अपने लोग ही बहुत ज्यादा पीड़ा और कष्ट देते हैं। यही लोग हैं दोस्तों जो सबसे आगे हैं आपको कष्ट देने के लिए। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे निकले, मुझसे ज्यादा पैसा कमाए। दोस्तों, हर एक व्यक्ति बस यही चाहता है कि ये मुझसे दबकर रहे और मुझसे आगे ना निकले। पर दोस्तों, आपको इन बातों को तोड़कर जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी दोस्तों आपको विजय की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। बस दोस्तों, आपको अपने कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है, यही आपके लिए बेहतर रहेगा।
ऐसे लोगों का दोस्तों कभी भी आपका उनका मुंह नहीं थकता है दूसरों की बुराई करने में। दोस्तों जब जीवन में संघर्ष मिलता है तभी तो सफलता का मजा आता है। दोस्तों आप हमेशा खुश रहिए, आपका जीवन फूलों जैसा महकेगा। पर दोस्तों जो आपके बारे में बुराइयां छाटते हैं, यूं कहें तो दोस्तों आपको जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे हैं, पर लोग दोस्तों आपके अच्छे कार्य को ना देख करके आपके दोस्तों उन बुराइयों को ढूंढते हैं, आपकी अच्छाइयों को नहीं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप उनसे दूरियां बनाकर रखिए। दोस्तों कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्ती यारी में कई दोस्त आपके ऐसे हो जाते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, पर दोस्तों वे आपका कभी भी भला नहीं चाहते हैं। वे हमेशा यही चाहते हैं कि आपको हमेशा नुकसान ही होता रहे। ऐसे दोस्तों से दोस्तों बहुत दूर रहना है, और ऐसी दोस्ती भी किसी काम की नहीं है जो आपको पीछे धकेलना चाहे और आपको नीचे गिराना चाहे। हम दोस्तों बस आपसे यही कहेंगे कि आप बस ऐसे मित्र बनाइए जो आपको प्रोत्साहित करे, हर काम के लिए आपको प्रेरित करे और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने में आपकी सहायता करे। सच्चा मित्र वही है जो हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक ले जाए, ना कि दोस्तों हाथ पकड़ के आपको पीछे खींचने की कोशिश करे। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि दोस्त बनाइए तो कृष्ण जैसा, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण ने सुधामा का हाथ राजपाट मिलने के बाद में भी कभी भी नहीं त्यागा था। आपसे बस अब हम विदा लेते हैं, और इसके साथ ही दोस्तों बस आपसे यही कहेंगे कि जीवन में आपको जितने भी लोग मिले उनकी आपको सही परख करना बेहद ही जरूरी है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों संगत का असर कहीं ना कहीं पड़ता है। यदि आप अच्छी संगत में रहते हैं तो आगे चल के आप अच्छे कार्य करेंगे, यदि आप बुरी संगत में रहते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं उनका बुरा प्रभाव आप पर और आपके व्यक्तित्व पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ऐसे मित्रों के साथ में रहना है जिनकी संगत और रंगत अच्छी हो, ताकि उनका प्रभाव जब आप पर पड़े तो उनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले और आप भी आगे बढ़े। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा आपसे, जय हो कन्हैया लाल की, जय शिव शंकर, जय माता दी के जयकारे जरूर लगाइएगा। आपका दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।